आज हम जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियाँ। अब देखिए, हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पीरियड पे जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी वो सब हम पढ़ेंगे। वैसे तो हमें काफ़ी कुछ इस वीडियो के अंडर पढ़ना है, बट एक हल्का सा इंडेक्स फॉर्म मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ेंगे, बहुत कुछ इसके अलावा भी पढ़ेंगे, जैसे कि आपका अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हो गया, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हो गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस एंड मैनी मोर, राइट। तो आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में ही नोट्स बनाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आपको डायरेक्टली याद करनी है चीज़ें, ठीक है, कोई कहानी नहीं, कुछ नहीं। और नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, इस टॉपिक को स्किप करते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। एंड कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। फर्स्ट पॉइंट आता है द फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर ऑफ अ यूरोपियन। यूरोपियन कौन थे? जो यूरोप से इंडिया में आए, यहाँ पे आकर बस गए। उन्होंने आए तो व्यापार के मकसद से थे, फिर यहाँ पर उन्होंने एम्पायर अपना क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो यूरोपियन मतलब जो यूरोप कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स भी उनमें से एक थे, मेनली हम ब्रिटिशर्स का ही यहाँ पर जिक्र पढ़ते हैं, इंडिया में ब्रिटिशर्स का ही रोल रहा सारा, ठीक है। तो पहला पॉलिटिकल स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे जो मर्डर हुआ किसी यूरोपियन का, वो था 1897 में पूना महाराष्ट्र में। किसके द्वारा किया गया? चापेकर ब्रदर्स के द्वारा किया गया, और उनके नाम क्या थे? दामोदर एंड बालकिशन। तो ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर यूरोपियन का कब हुआ, किसके द्वारा किया गया, चापेकर ब्रदर्स कौन कौन है? दो चार आपको ऑप्शंस होंगे, दो दो नाम होंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब उनका जो टारगेट था वो थे मिस्टर रेन, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द प्लेग कमीशन। प्लेग कमीशन के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर रंड, वो उनका टारगेट थे, बट उन्होंने गलती से किसी और को मार दिया। ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था, सेम सेम दूर से दिखाई दे रहे थे, तो गलती से लेफ्टिनेंट अरेस्ट क्यों उन्होंने गोली मार दी थी। टारगेट उनका कौन था, गोली किसको लगी? चापेकर ब्रदर्स, दामोदर एंड बालकृष्ण, 1897 पूना। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। आगे चलते हैं, अलीपुर केस के बारे में पढ़ते हैं कि अलीपुर केस क्या था, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये और आपको पता होना चाहिए, हम बिल्कुल सीक्वेंस में यहाँ से चलेंगे, जैसे कि 1897 हो गया, फिर 1908 हो गया, इस तरह से। थोड़ा सा पेज एडजस्ट करती हूँ फिर आगे चलते हैं। यस, हम बात कर रहे थे अलीपुर केस के बारे में, जो कि 1908 में हुआ था। इसमें हुआ क्या, इसके अंदर खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की, तो ये दो नाम आपने याद रखने हैं, बोथ थ्रू अ बॉम्ब ऑन कैरियज ऑफ किंग फोर्ड एंड अनपॉपुलर जज ऑफ मुजफ्फरपुर लेटर हैंड। हुआ क्या था, 1908 में अलीपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने किंग फोर्ड, जो कि बहुत ही अनपॉपुलर समझते हैं, बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं था, ऐसा एक जज था मुजफ्फरपुर का, तो उसके जो कैरियज है, मतलब पहले गाड़ियां चलती थी ना वो पहियों वाली, तो उसके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया, इनकी डेथ हो गई। बाद में खुदीराम बोस को फांसी दी गई, ठीक है। तो अब किंग फोर्ड है, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक्की, अलीपुर केस, 1908, लेटर हैंग्ड, याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए हैं सारे छोटे छोटे पॉइंट्स, कोई बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है इनमें पढ़ने के लिए, बट आपको याद करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, बहुत ही फॉरगॉटन टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं डायरेक्टली, ठीक है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस की बात करें तो रास बिहारी बोस एंड सचिंद्र नाथ सन्याल, ये दो आपने नाम याद रखने हैं, इन्होंने बॉम्ब फेंका था लॉर्ड हार्डिंग पे दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस आरएस, अलीपुर केस केपी, कैसे मर्जी याद करो, ठीक है। मैंने तो बहुत देसी ट्रिक्स बनाई थी, तो यहाँ पे शेयर नहीं की जा सकती थी, अदरवाइज मैं शेयर करती है। वॉइस रॉयस के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, अपने खुद से बनाई हुई, तो मैं करूँगी वो चीज़ शेयर, बट ये आप थोड़ा सा खुद से देख लें कि कैसे आपको याद करना है, ठीक है। अलीपुर केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा रेवोल्यूशनरीज मीटिंग। 1924 में जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, जितने भी क्रांतिकारी थे, उनकी बहुत बड़े स्तर पे मीटिंग हुई थी, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक फटाफट से कर दीजिएगा, फाइन। जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, उनकी मीटिंग 1924 में हुई कानपुर यूपी में, 1924 कानपुर, याद रखिए। इसमें कुछ ओल्ड रेवोल्यूशनरीज का मतलब है जो काफ़ी एक्सपीरियंस थे और थोड़े एज्ड थे, जैसे कि सचिंद्र नाथ सन्याल हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, लिस्ट बहुत लंबी है, बट सबका नाम मैंने यहां नहीं लिखा है।
एंड सम यंग रेवोल्यूशनरीज, कुछ जो जवां खून था, जो नए क्रांतिकारी थे, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह, सुखदेव हो गए, ये भी जो है उस मीटिंग में आए थे. नाउ दे सेटअप अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की थी जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन. अब देखिए इसके बाद और भी थोड़ा है इसके बारे में पढ़ने के लिए, वो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे. बट याद रखना है 1924 जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उनकी मीटिंग हुई थी कानपुर में. ओल्ड एज वेल एज यंग रेवोल्यूशनरी सब ने पार्टिसिपेट किया था. उन्होंने मिलकर बनाई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और यू कैन से हिंदुस्तान रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन, एक ही चीज़ है. ठीक है, अब डायरेक्टली चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हम इस टॉपिक को. दे कैरिड आउट अ डकैती ऑन द काकोरी ट्रेन. अब ये एक ट्रेन है जो कि सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी रेलवे लाइन पे. तो 9 अगस्त 1925 को जितने भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो रेवोल्यूशनरीज थे सबने ने कुछ ने मिलकर डकैती की इस ट्रेन पे. मैनी वर अरेस्टेड. अब बहुत सारे लोगों ने ये काम किया. अब डकैती करना उस टाइम पे कोई इजी काम तो नहीं था, इवन आज भी नहीं है. बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी तो बहुत सारे लोग इसमें अरेस्ट भी किए गए. बट चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से भाग गए, वो सफल हुए वहाँ से भागने में. ठीक है, बाद में कुछ ऐसा हुआ था कि ये महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात हुई थी, फिर उन्होंने कहा कि ये चीज़ गलत है, अगर आपने कुछ किया है तो उसको एक्सेप्ट करो, अब खुद को सबमिट करो गवर्नमेंट के आगे. फिर इन्होंने बाद में सबमिट किया था, जेल में सज़ा भुगती और उसके बाद फ्री हुए, ऐसा कहानी है. बट वो यहाँ अप्लाई नहीं होती, वो मैंने आपको ऐसे बता दी. नाउ चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से भागने में सफल हुए. ये हो गया हमारा एक स्टेप. अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि 1928 हमने क्या पढ़ा, 1924 में रेवोल्यूशनरीज की मीटिंग हुई थी, राइट. 1928 में फिर से रेवोल्यूशनरीज की मीटिंग हुई, कहाँ पे, फिरोज शाह कोटला न्यू दिल्ली में. 1928 में न्यू दिल्ली में, 1924 में कानपुर यूपी में. अब यहाँ पे क्या बना, पहले क्या बनी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और यू कैन से हिंदुस्तान रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन. अब बनी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, वॉज बॉर्न अंडर चंद्रशेखर आज़ाद. तो यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद का ही दिमाग था, उन्होंने ही ये नई एसोसिएशन बनाई थी. ठीक है, अब 1924 का कंसेप्ट हो गया ख़त्म, 1928 का कंसेप्ट भी हो गया ख़त्म. अब हम पहुँच गए हैं 17 दिसंबर 1928 में. अब ये अलग इंसिडेंस है, हम पढ़ क्या रहे हैं कि अलग अलग गतिविधियाँ हुई, वो सारे हम अंडर वन टॉपिक, अंडर 3 or 4 पेजेस वो पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो 17 दिसंबर 1928 में क्या हुआ था, भगत सिंह और शिवराम राजगुरु, नाम बिल्कुल रट लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु ने क्या किया, शॉट डेड जॉन सॉन्डर्स. जो जॉन सॉन्डर्स थे उनको गोली मार दी, जो कि कौन थे, असिस्टेंट SP ऑफ लाहौर. बट इट वॉज ऑल्सो अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, गलती से किसी और को कुछ और समझ के गोली मार दी. दे वॉन्टेड टू किल जेम्स स्कॉट SP ऑफ लाहौर. अब ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, वो मारना चाहते थे जेम्स स्कॉट को जो कि SP थे लाहौर को, बट उन्होंने गलती से मार दिया जॉन सॉन्डर्स को जो कि असिस्टेंट SP थे लाहौर के. अब वो जेम्स स्कॉट को क्यों मारना चाहते थे, बात ये भी तो आती है. ही ऑर्डर्ड लाठी चार्ज ऑन लाला लाजपत राय. लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज इन्होंने करवाया था, तो उसका बदला भगत सिंह और शिवराम राजगुरु लेना चाहते थे जेम्स स्कॉट से. ठीक है, अब 1928 की बात यहाँ पे ख़त्म हो गई. तो क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कैसे भी आ सकता है, आपको ना ये कुछ ट्रिक्स बना के नाम याद करने होंगे. ठीक है, ट्रिक्स नहीं तो वैसे ही जो भी आपको सही लगता है, बट आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, हम पहुँच गए 1929 में. अब देखिए, अगर आप चाहें ना कि आपको लगता है कि ये डेटा कम है, मुझे और पढ़ना है, तो क्वेश्चन इससे बाहर से कभी भी नहीं आएगा. अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आना है तो इसमें से ही आएगा. बट आप और क्लैरिटी चाहते हैं, आप और क्लैरिफिकेशन चाहते हैं इस पर, तो आप थोड़ा सा और सर्च कर सकते हैं कि भगत सिंह, शिवराम राजगुरु ने जेम्स स्कॉट को मारना था, क्या हुआ, पूरी स्टोरी आपके पास आ जाएगी, आराम से आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पहुंच गए हैं 1929 8 अप्रैल पे. अब आपसे एक बार फिर से कहूंगी कि वीडियो पसंद आ रही हो ज़रूर लाइक करें. ठीक है, और आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. फाइन, 8 अप्रैल 1929 की हम बात कर रहे हैं. अब इस टाइम पे क्या हुआ, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त इन दोनों ने मिलकर क्या किया, थ्रू बॉम्ब्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली. सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में इन्होंने क्या किया, बॉम्ब फेंका. लेकिन वो बॉम्ब फेंकने का रीज़न किसी को माना नहीं था, ये जस्ट थोड़ा सा दहशत टाइप फैलाना चाहते थे. बट इंडियंस कितनी ही दहशत फैलाएंगे वो हम आगे देखते हैं. थोड़ा सा लोगों को बताना चाहते थे कि हम अवेयर हैं चीज़ों से, जो आप हमारे साथ कर रहे हो उससे हम अवेयर हैं. ठीक है, तो हम थोड़ा सा अपना होता है ना कि विद्रोह दिखाना, अपना गुस्सा दिखाना, अपना एंगर जो एक्सप्लोड होता है, वो चीज़ यहाँ पे हो रही थी. तो 1929 में भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया, बॉम्ब फेंका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में.
बट इट वॉज नॉट डिज़ाइन टू किल, लोगों को मारने के लिए ये नहीं था, ये सिर्फ धुआं फैलाने के लिए था। स्मोक हॉल, पूरा का पूरे हॉल में धुआं भर गया था। बोथ कुड हैव एस्केप्ड। इस टाइम पे दोनों चाहते तो भाग सकते थे क्योंकि उन्होंने दरवाजे के पास से फेंका, तो उनके लिए ईजी था फेंकना वहाँ से भागना, लेकिन वो भागे नहीं, ठीक है। बट स्टेड एंड शाउटेड द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद के नारे उन्होंने वहाँ पे अंदर रुक के स्टे करके लगाने शुरू किए। एंड ये स्लोगन जो है दिया गया था बाय हसरत मोहानी, बाद में फिर इनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो देखिए कितने सारे इवेंट्स हमने यहाँ पे पढ़े। हमने दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस पढ़ा, हमने अलीपुर केस पढ़ा, हमने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, इतना सब कुछ पढ़ा, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि होगा क्या ना, आपको अलग अलग जगह पर ये मिलेगा नहीं, या फिर मिलेगा भी तो आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा, आपको खुद से अरेंज करने पड़ेंगे। वो अरेंजमेंट ना, वो बहुत टाइम जाता है उसमें। तो आप बस इतना करें, वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। बहुत जल्दी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट भी होने वाला है, ठीक है। एक बार कंप्लीट हो गया, आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हो गए, दैट्स इट। नोट्स रिवाइज करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, कोई टॉपिक लगता है कम पढ़ा है उस पर ज़्यादा स्टडी कर ली, दैट्स इट। और कुछ अपना दिमाग लाना नहीं है, बस अपना फोकस रखना है पढ़ाई पे, रिवीजन पे। रिवीजन इज़ द की, राइट। बोलते ना कि रिवीजन बहुत बहुत ज़रूरी है, तो वही चीज़ है, ठीक है। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने एक और पेज पढ़ना है जहाँ पे कुछ और चीज़ें पढ़नी है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाएं और नोट्स वीडियो के साथ में बनाते रहें। नेक्स्ट आता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, कौन कौन इसमें शामिल थे? भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, ये तीनों जो थे हैंग्ड एट लाहौर जेल, जो लाहौर की जेल थी वहाँ पर इनको फांसी दी गई इन तीनों को। एंड देयर बॉडीज वर क्रीमेटेड एट हुसैन वाला नियर फिरोजपुर पंजाब। यहाँ पे इनकी बॉडीज जो है वो क्रीमेट की गई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस किससे रिलेटेड है। चार ऑप्शंस होंगे, किससे रिलेटेड नहीं है, वैसा कुछ होगा तो आपको देखना है, ठीक है। 1929 पे हम पहुंच गए। जतिन दास, अब ये इतना सा ही कंसेप्ट है इनका कि 1929 जतिन दास, इतना याद रखना है, बाकी रीज़न क्या था वो याद रखना है। सो 1929 में जतिन दास डाइड इन लाहौर जेल आफ्टर 63 डेज फास्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हॉरिबल कंडीशंस इन जेल। क्या है, ये जेल में कैदी थे, ठीक है। अब वहाँ पे कंडीशंस बहुत ख़राब थी, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई इनकी सुनता नहीं था। तो उन्होंने मतलब कहा कि आजीवन मुझे कुछ खाना नहीं है, ठीक है, मैं वैसे ही रहूँगा। तो 63 दिन बिना कुछ खाए फिर इनकी डेथ हो गई थी। तो वो भी बहुत बड़ा इवेंट था कि इतनी बुरी कंडीशंस हैं जेल में, उसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया और बाद में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब आता है मीरत कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस पढ़ लिया, अलीपुर केस पढ़ लिया, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस पढ़ लिया, अब मीरत कॉन्स्पिरेसी केस पढ़ते हैं। ये हुआ था 1929 में, इट स्टार्टेड इन 1929, कॉन्ट्रोवर्सियल कोर्ट केस था, एक चार साल तक चला, फिर इसका डिसीजन आया 1933 में, ठीक है। एंड मुजफ्फर अहमद रिसीव्ड ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ठीक है, मुजफ्फर अहमद का नाम इनसे जुड़ा है। बस इतने इतने पॉइंट्स हैं, ठीक है। बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं आप नो डाउट, बट उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतने डेप्थ में क्वेश्चंस आएंगे नहीं, है ना। हमें क्या करना है, हमें कोई मास्टरी थोड़ी हासिल करनी है मॉडर्न हिस्ट्री में, हमें हिस्टोरियन थोड़ी बनना है, हमें तो जस्ट एग्जाम क्लियर करना है। क्योंकि जब आप एक बार फील्ड में जाओगे ना, तो ये चीज़ें आपकी इंप्लीमेंट नहीं होंगी, ये बिल्कुल आपकी एक बेसिक्स बन के रह जाएंगे कि हाँ आपको अंडरस्टैंडिंग है कि इतिहास में हमारे साथ क्या हुआ, बस ये और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सूर्य सेन। सूर्य सेन कौन थे? अ रेवोल्यूशनरी ऑफ बंगाल, बंगाल के रेवोल्यूशनरी थे। ही फॉर्म्ड द इंडियन रिपब्लिक आर्मी इन बंगाल, इंडियन रिपब्लिक आर्मी बंगाल में बनाई, बट ही वॉज हैंग्ड इन 1934, 1934 में इन्हें फांसी हो गई थी। अब हम पहुंच गए हैं आज के लास्ट पॉइंट की ओर। 1931 में क्या हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद शॉट हिमसेल्फ एट एल्फ्रेड पार्क इन अलाहाबाद। अलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क में खुद को इन्होंने गोली मार ली थी, मतलब आत्महत्या, सुसाइड कर लिया था, ठीक है। तो बस देखिए, छोटा सा टॉपिक था हमारा, ऐसे बहुत लेंथी वीडियो नहीं थी, ठीक है। नाम थोड़ा भारी भरकम है इस टॉपिक का, बट इतना लेंथी नहीं था ये टॉपिक। तो अगर आपने एक बार नोट्स बना लिए हैं, फर्स्ट डे आपको 15-20 मिनट लगेंगे पढ़ने में, फिर धीरे धीरे जो है टाइम कम चलता जाएगा, और रटने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको चीज़ें याद होगी। हमेशा कहती हूँ कि चीज़ें लर्न होने में टाइम लगती हैं, ऐसा नहीं आज ही सब कुछ पढ़ लेना है, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।
राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।